अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप जान सकते हैं मैं हूं बिलाल खान। तो ये हमारे पीछे खड़ा हुआ टमाटर स्पेंडर्स। तो हम आपको, जैसे हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हमारी मुर्गी अंडा देती है, तो हम आपको अंडा दिखाएंगे आज और व्लॉग बनाएंगे दूसरा। चलिए जन्नत से मिलने पहले। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बिलाल खान की बहन। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिलाल की बहन। आप कैसे हैं और आपका सबका प्यार हमारे लिए बरकरार रहना चाहिए। चलो जी, हम आपको अपनी मुर्गी का अंडा दिखाते हैं। चलो जी, हम आपको अपनी मुर्गी का अंडा दिखाने ऊपर लेके चल सकते हैं। चलो जी गाइस, जैसे कि आप जान सकते हैं हम ऊपर ही आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मुहर्रमों के दिन चल रहे हैं, ढोल बोल तो बजते ही हैं, तो हमारे घर पे भी इतने ढोलों की आवाज़ आ रही है। हम लोग परेशान हो गए और हम लोग ढोल नहीं बजाते हैं, क्योंकि मुहर्रम के दिन है ना, ढोल बजाना अच्छी बात नहीं होती। तो अब हम आपको अपनी मुर्गी का एक दिखा देते हैं। चले ठीक है, आज ये देखिए गाइस, ये हमारे बिलाल भाई निकाले हैं मुर्गी का अंडा। वाओ, ये हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। रात में मुर्गी देती है, रात में अंडा दिया है हमारी मुर्गी ने, तो हम लेकिन इसको सुबह खाएंगे। चले गाइस, हम छत पे चलते हैं। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, चलिए छत पे चल के थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी तो होती रहती है, चलती रहती है। हम आपको अपनी छत दिखाते हैं, नॉर्मली छत जैसे सबकी होती है। चले चलते हैं, वैसे भी बारिश हो रही है, मोबाइल वोबाइल ख़राब ना हो जाए हमारा। चले जी गाइस, हम नीचे चलते हैं, अंडे को धो वो के रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। फ्रिज में हम आपको धोते हुए भी दिखाएंगे एक को। चले जी गाइस नीचे, हमने आपको पिछले एपिसोड में अपनी बिल्ली भी दिखाई थी। चले जी गाइस, अब जो हाथ दिखाने वो धोएंगे अंडा। ये देखिए गाइस, ये अंडा धो लें। ये देखिए गाइस, और हम आपको अपनी बिल्ली से मंगवाते हैं जो कि भाग रही है। चले गाइस अंदर चलते हैं, ये है हमारी मॉम। हमारी मॉम क्योंकि ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं, तो हम उनको लाएंगे बनी। चले ठीक है, वैसे मेरी मॉम। चले अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए अपना प्यार दिल से बरकरार रखिए जिएगा। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।